नमस्कार, आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि यदि हम में काबिलियत है तो हमें दुनिया की कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती है, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। और यदि हम में योग्यता, प्रतिभा, काबिलियत है तो कितनी भी अड़चनें आ जाएं, कितनी भी बाधाएं पैदा कर दी जाए हमारे लिए, हम उन सबको पार कर जाएंगे। जैसे पानी को देखा आपने, बहते हुए पानी को बांध बांध कर रोका नहीं जा सकता। पानी की तो ताकत है कि वो बांध के ऊपर से छलक कर जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ठीक उसी तरीके से यदि किसी योग्य व्यक्ति को, किसी काबिल व्यक्ति को अब जंगल में भी फेंक दीजिए उसको, कि यह मानते हुए कि जंगल में चलेगी, अब खत्म किस्सा, हमारा तो रास्ता आसान हुआ कि एक व्यक्ति हमारे काटा हटा। लेकिन वो व्यक्ति जंगल में पड़ने वाली सारी बाधाओं को भी पार कर सकता है, क्योंकि उसमें वो योग्यता है। बहुत छोटी सी लोक कथा के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एक राजा को अपने दरबार के लिए ज्योतिषी नियुक्त करना था। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि एक्स दिन राज्य के बड़े बड़े ज्योतिष दरबार में पहुंचे। अब राजा ने एक एक करके सभी ज्योतिषियों का साक्षात कर लिया, इंटरव्यू होने लगा, भाई राजा जी ले रहे हैं। अब सवाल का जवाब के बाद तीन ज्योतिष अंतिम चरण में पहुंच गए और राजा ने पहले से पूछा कि आप भविष्य कैसे देखते हैं। अब ज्योतिषी का सीधा जवाब, मैं ग्रह नक्षत्रों की चाल देखकर भविष्य बताता हूं। और दूसरे ज्योतिषों से भी यही सवाल उन्होंने पूछा। एक ने कहा कि मैं हाथ की जो रेखाएं हैं उसको देख के बता सकता हूं। तीसरे ज्योतिष ने कहा कि मैं ग्रहों के अनुसार भविष्य बताता हूं। तीनों ज्योतिषों की बात राजा को पसंद नहीं आई। राजा को तभी अपने राज्य के एक निर्धन ज्योतिष की याद आई। राजा एक बार उससे मिला भी था और राजा उससे बहुत प्रभावित भी था। राजा ने तुरंत ही अपने सेवकों को भेजकर उसे बुलवाया। राजा ने उससे पूछा कि हमने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि हमें ज्योतिषी चाहिए तो साक्षात कर देने, तुम क्यों नहीं आए। अब निर्धन ज्योतिष ने कहा कि महाराज, मैं मेरा भविष्य जानता था, आप स्वयं मुझे बुलवाएंगे और मुझे दरबार में ज्योतिषी नियुक्त करेंगे, इसलिए मैं नहीं आया। अब ज्योतिषी की प्रतिभा को सुनकर, उसकी बातें को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उसे दरबार में ज्योतिषी नियुक्त कर दिया। दोस्तों, ज्योतिष वाली बात तो एक किस्सा है, कहने का सीधा सा आशय है, जिन लोगों में प्रतिभा होती है वे अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। इसलिए हमें अपनी प्रतिभा निखारने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। अरे खुद पर करो भरोसा। ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते? सिर्फ छोटा सा काम ही तो करना है। असंभव शब्द से पहले ए को हटाकर संभव करना है, इतना सा तो काम करना है आपको। पॉसिबल को तोड़, इम्पॉसिबल को तोड़कर पॉसिबल में कन्वर्ट करना है, इम्पॉसिबल करना है। सिर्फ यह महसूस करना है आपको, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। अपने अंदर की ताकत को, अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यता को, अपनी प्रतिभा को पहचान लो, ये दुनिया यूं मुट्ठी में होगी। हम तो बस सिर्फ इतना सा कहेंगे, बदल लो अपनी जिंदगी को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।